आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर है, कोई खास वजह? मज़े सर, बचपन से ही डफर स्टूडेंट था। माँ बाप को लगा ये हमारा नाम डुबाएगा, तो डोनेशन देके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। मैं और मज़े करने लगा। वहाँ पहुँचा तो देखा कि रेस लगी हुई है, बंक नहीं मारोगे तो कोई जानेगा भी नहीं। मैं और मज़े करने लगा। इन्जॉयमेंट इज़ गुड फॉर ग्रेट सर। और बंक करने लगा, चैटिंग करने लगा। चैटिंग तो क्या, लड़कियों से डेट पे चलने की भीख मांगने लगा। नंबर दे दो, स्नैपचैट दे दो। 16 बैग्स लगी, 2 महीने में कॉलेज से निकाले जाने का नोटिस मिला, तब कहीं जाके बात समझ आई। सर, आज मैंने नहीं सोचा कि इंटरव्यू बंक मार लेता हूँ या जॉब लेकर क्या करूँगा। आज मैंने सिर्फ हाथ जोड़े और मम्मी पापा को सॉरी बोला। अगर आप लोग आज मुझे रिजेक्ट भी कर देते ना सर, तो कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में एक छोटी मोटी चाय की दुकान तो खोल ही लूँगा सर। आपका इतना ऑनेस्ट बिहेवियर हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए हमें एक झूठे और टोपी पहनाने वाले आदमी की ज़रूरत है। आप कुछ ज़्यादा ही सच्चे हैं, बट अगर आप हमें भरोसा दिलाएं कि आप झूठ बोल बोल के हमारे क्लाइंट्स को पागल बना सकते हैं, तो कुछ हो सकता है। इतने साल अपने झूठे रिजल्ट्स घर पे बता के पापा से दोनों टांगे तोड़वाइए सर, बड़ी मुश्किल से निकलेगा आप झूठ मुंह से। नहीं होगा सर, आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपनी 4 साल की बीटेक 6 साल में पूरी करने का प्रूफ, मेरी डिग्री रख लेता हूँ सर। आई एम सॉरी, डोंट माइंड सर। रुको, 2 महीने हो गए मुझे रिक्रूटमेंट करते हुए, 4-5 इंटरव्यूज लिए हैं। जॉब पाने के लिए लोग झूठ बोल ही देते हैं, तुम कहाँ से आए हो यार? मतलब सर, सैलरी कितनी लोगे भैया, डिस्कस कर लें। थैंक यू सर। आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर है, कोई खास वजह? सर, इसमें मेरी गलती नहीं है सर, मैं बहुत पढ़ाई करता था, पर जब भी एग्जाम्स आते थे ना कुछ हो जाता था सर। जैसे बहन की शादी थी, कभी दादाजी चले गए, कभी नानी चली गई, तो सर मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था सर। वो सब ठीक है, मगर ऐसे मार्क्स में हम आपको हायर नहीं कर पाएंगे, सॉरी सर। प्लीज़ सर, सर आप जो बोलोगे वो मैं कर लूँगा सर। सर वैसे मैंने बीटेक की है, बट अगर आप बोलोगे ना तो सर मैं मार्केटिंग भी कर लूँगा, या फिर सर अकाउंट्स का काम भी आता है सर मेरे को, या फिर कंटेंट राइटिंग, कस्टमर केयर, सर चाय भी बनानी आती है सर। सर रिजेक्ट मत करो सर, प्लीज़ सर। आप अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? की कंपनी में सर, मेरे पापा हमेशा से कहते हैं ये जॉब वगैरह सब अपने जगह है, लेकिन अपना खुद का एक बिजनेस होना चाहिए। प्लान रेडी है, स्टार्टअप करेंगे जल्दी। तो आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं और इंटरव्यू को देना है अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जॉब नहीं करनी है तो? अनुभव सर, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि खुद का बिजनेस खोलने से पहले किसी के अंडर में काम करके एक्सपीरियंस लेना चाहिए। इन दैट केस हम कॉल करेंगे आपको। ओके सर, तो आप इस पे कॉल कर दीजिएगा, और अगर मेरा बिजनेस पार्टनर बनने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा इस मेल आई डी पे। ओके सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। आपको पता है आप इंटरव्यू देना है, थोड़े बैठने के एटिकेट्स रखिए। और क्या, गुड मॉर्निंग सर, थोड़ी टोन में सॉफ्टनेस रखिए अपनी। अरे अक्षय, कैसा है रे? आप जानते हैं इसको? अरे अपने हाई कोर्ट के जज साहब का बेटा है। ओ अच्छा, आराम से बैठो बेटा, आराम से बैठो। कुछ चाय ठंडा मंगाऊं आपके? एसी वेसी बढ़ूं आपके? एसी वेसी बढ़ूं? अरे नहीं नहीं, आप इंटरव्यू लो ना। हाँ तो हमें बताइए आप, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ? क्या बात है, देखा सर, टफ गाय है, टफ गाय। वेरी गुड, यही स्ट्रेंथ तो चाहिए हमको हमारी कंपनी में। आप तो हमारी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये लो बेटा ऑफर लेटर पे, ठीक है, और मंडे से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कीप इट अप बेटा, कीप इट अप। सो टेल अस व्हिच लैंग्वेजेस डू यू नो। सर इंग्लिश, हिंदी, मारवाड़ी और थोड़ी थोड़ी गुजराती। थोड़ी थोड़ी मतलब? जैसे केम छो, मजा मा, ऐसे। ओके गुड फॉर यू, बट मैं कोडिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। ओह वो भी सर, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। मैं टाइपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोडिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ, जैसे C++, जावा, पाइथन, ऐसे। ओ अच्छा सर, वो हाँ, जावा, पाइथन, लिजार्ड, गोरिल्ला। ओ हेलो, ये लिजार्ड, गोरिल्ला, ये लैंग्वेजेस कब बन गई? बन रही है सर, बन रही है, 2030 तक कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा वो सब ठीक है, ये लो लीप ईयर का प्रोग्राम लिखो।
सर बोल के बता दो सर। हाँ कैसे भी बताओ। सर सबसे पहले studio.h kone.h। हाँ वेरी गुड हेडर फाइल। देन वेरिएबल a इज इक्वल टू 365+1 रिटर्न 0 कंपाइल। एक्सीलेंट वी विल कॉल यू। सर ऑफर लेटर। ऑफर लेटर बन रहा है 2030 तक मेल आ जाएगा आपके पास। So, tell something about yourself. Sir, मेरा नाम आदर्श है और मैं... Please answer in English. Sorry sir, पर मेरे को ज़्यादा English नहीं आती है. Then sorry, we cannot hire you. Okay, but sir, जहाँ तक मुझे पता है, आपकी company सिर्फ India में, right? और आपके सारे client भी Indians हैं. तो आपको एक छोटा सा stat बताना चाहूँगा sir. India में approx 60% लोग हिंदी बोलते हैं sir. और वहीं बात करें अगर English बोलने वालों की तो वो सिर्फ 8-9% है. लेकिन फिर भी आपको एक ऐसे employee की ज़रूरत है जो English अच्छी बोल सकता हो, ना कि उसकी जो कि टैलेंटेड और केपेबल है। कमाल है सर, बट ये आपकी गलती नहीं है सर, हमें बचपन से ट्रेन ही ऐसे किया जाता है। अगर सोसाइटी में स्टेटस चाहिए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, हमें सिखाया जाता है कि अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो बुक्स पढ़ो और 5 नए वर्ड्स रोज सीखो। बट क्या कभी कोई हिंदी इंप्रूव करने के लिए ऐसा कुछ कहता है? नहीं सर, हमारी खुद की मातृभाषा हिंदी कहीं लुप्त हुए जा रही है सर। हम इंग्लिश को इतना बड़ा मान बैठे हैं कि आने वाले टाइम में शायद हिंदी की कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। और आप मुझे क्या रिजेक्ट करेंगे सर? मैं खुद ही ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहूँगा जहाँ पे इंसान के टैलेंट की नहीं बल्कि उसकी इंग्लिश की कदर है। थैंक यू सर।